जैसे ये नमूदार हुए इलाके में, इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर SHO और SDP की टीम मौके पर पहुंची, और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है, और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है, और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर, होस्टेज वाले भी कुछ खबर, ऐसी अनकन्फर्म रूमर्स इस इलाके में काफी चल रही है कि काफी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस है उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड है, लेकिन इसमें सिर्फ 1 सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। इसके अलावा जो अनकन्फर्म्ड र्यूमर्स हैं इसकी रिगार्डिंग किसी की मृत्यु होने की, किसी की हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म्ड र्यूमर्स हैं, तो लिहाजा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन र्यूमर्स में ना जाए और हम इसका पहले कंफर्मेशन देंगे, उसके बाद ही हम कुछ। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान की बौखलाहट है, किस तरह से आप देखते हैं रियासी के बाद? ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है, तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन, और जैसे एक आतंकवादी मारा गया दूसरे की भी सर्च जारी। छत्रकला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का ज्वाइंट नाका है उस पर फायर हुआ है, और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है।